हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। शरीर दर्द से निपटने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो एसीक्लोरेन टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। इंडोको रेमेडीज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें एसिक्लोफिनिक 100 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और सिरेसियो पेप्टाइडेज 15 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 100 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर फ्रेंड्स आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, विटोरी एसपी टैबलेट जिसे हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, एसिक्लो सेरा टैबलेट जिसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, ट्राइफ्लाम टैबलेट जिसे कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, हाइफिनेक डी टैबलेट जिसे इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और सिग्नोफ्लाम टैबलेट जिसे लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सेम कंपोजिशन या साल्ट के साथ मार्केट में उपलब्ध ये कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जिन्हें आप परचेस करके अपना काम चला सकते हैं। इनका इफेक्ट भी आपको सेम मिलेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस मेडिसिन के उपयोग के बारे में। जैसा मैंने पहले आपको बताया है, यह एक एनाल्जेसिक टैबलेट है और दर्द को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द, माइल्ड माइग्रेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन और जो पेनफुल मेंसेस होते हैं उस टाइम पर भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जी मिचलाना, उल्टी का होना, पेट दर्द का होना, बदहजमी का होना, छाती में जलन का होना, भूख का कम लगना और दस्त का लगना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दवा को डॉक्टर के जो डोज और ड्यूरेशन होता है उस अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए, इसे तोड़ना, चबाना, पीसना या कुचलना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ लेने से आप गैस्ट्रिक अपसेट से बच सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन कैसे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंपोजिशन के सेक्शन में पहले ही बताया है कि यह जो मेडिसिन है तीन मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें एसिक्लोफिनिक, पैरासीटामोल और सिरेसियो पेप्टाइडेज होता है। एसिक्लोफिनिक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंतर्गत आता है और पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक दवा है। यह ब्रेन से निकलने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर्स को रोकती है जिसके कारण दर्द और बुखार उत्पन्न होता है। सिरेसियो पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जो इन्फ्लामेशन वाली जगह पर उत्पन्न हुए असामान्य प्रोटीन को डिफ्यूज करता है और उसमें सुधार लाता है। ये सारी मेडिसिन इंटीग्रेटेड वर्क करती हैं और आप अपने लक्षणों में बेहतरी महसूस करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, दर्द और सूजन से राहत पहुंचाने के लिए आपको इस मेडिसिन की एडवाइस दी जाती है। गैस्ट्रिक अपसेट से बचने के लिए हमेशा आपको इस मेडिसिन को भोजन के साथ या भोजन के पश्चात लेना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने से चक्कर आ सकता है और नींद भी आ सकती है, अतः कोई भी मेंटल कंसंट्रेशन का वर्क आपको नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अत्यधिक बेहोशी हो सकती है और लीवर को नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है। अपने डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी ऐसी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन हो, क्योंकि इसमें भी पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन होता है और मेडिसिन की डबल डोज होने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक मेडिसिन को इस्तेमाल करें क्योंकि यह मेडिसिन लीवर और किडनी में गलत प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा वीडियो मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दिया गया सारा विवरण केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी स्थिति में सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन न करें, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।